सबसे पहले गुड इवनिंग जूम डिजिटल मीडिया लोअर सियांग मीडिया फेटर्निटी थैंक यू सबसे पहले आ, प्रेस ब्रीफिंग नहीं करने से पहले मैं कुछ हाईलाइट बताऊँगा सेल्फ तासेन रूटी मैं मासीबले से बिलोंग करता हूं कांग सर्कल और लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का हूं Uh, सबसे पहले क्यों प्रेस ब्रिपिंग बैठने का हम ये क्या मजबूर हुआ तो उस दिन हम लोग का दीदी यू एस वाई का दीनदयाल उपाध्याय सर्वेलन योजना का हम लोग का आठ का इंटरव्यू हुआ उसमें हम लोग सभी ने पार्टिसिपेट किया टोटल आपका पार्टिसिपेट था सिक्सटी सिक्स एंड सिक्सटी सिक्स हम सभी ने आ, इसको सही अच्छा ढंग से सभी ने अपना बेस्ट लेवल बेच दिया तो देने के वजह तो आज सुबह हम लोग को उसका रिज़ल्ट दिया है तो रिजल्ट जो देखा है तो आ, बहुत डिस अपॉइंटेड बहुत बायसनेस हुआ क्यों बोलेगा तो जो जीन्यून पर्सन है उसको नहीं मिला और जो है जिनी नहीं है उन लोग को लिस्टेड दिया गया है तो इसीलिए हम लोग सभी डिफ्राइव जो है पार्टिसिपेंट है कैंडिडेट है तो डिसअपॉइंटेड है उसके लिए इसीलिए आज हम लोग ये आ, मीडिया ब्रीफिंग के द्वारा हम लोग सभी जनता को बताना चाहते हैं और किस तरह हुआ गया है तो सबसे पहले तो दीदी USY का मतलब है दीनदयाल उपाध्याय सर्वलम योजना स्कीम इस प्लेक्सी स्कीम ऑफ गव ऑफ अरुणाचल प्रदेश विथ एम टू एनकरेज अनएम्प्लॉय यूथ टू गिव एक्सिस टू लो कॉस्ट कैपिटल फॉर सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्रेनरशिप नोट फॉर वेल सेटल एंड इस्टाब्लिश कॉन्टेक्टर तो इसका नोम्स के अंदर में भी देखा है वो कुछ भी हुआ नहीं ये दीनदयाल जो है स्कीम जो है वो टोटली अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए था इसमें देखा गया है तो अनएम्प्लॉय यूथ आया ने इसमें बहुत सारा वेल इस्टाब्लिश कैंडिडेट बन के आया वो सबको आज हम लोग लिस्टेड में भी है नाम अभी नहीं बोलेंगे आ, इसके द्वारा बाद में हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे कौन कौन सा है तो आफ्टर दैथ डी दी यू एस वाई का इज द क्रिएट इनकम डाइवर्सली इन फोर फैमिली एंड हेल्प रूरल यूथ रियलाइज द कैरियर तो इस दीनदयाल का अंदर में ये क्लियरली लिखा है कि ये जो है पोर फैमिली लोग को हेल्प करने के लिए और अपना स्टार्टअप बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए है लेकिन ये तो तोतेली इसका नॉर्म्स के अंदर में हुआ नहीं तो इसके लिए बहुत डिसअपइटेड है तो हम सभी इसीलिए आज ये इसके लिए आया है तो हम लोग डी को भी हम लोग कंप्लेन लेटर लिखा है उसका बाद उसको भी हम लोग डी को भी दिया है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर को भी दे के रखा है एंड तो हम लोग यही चाहता है कि हम लोग जल्द से जल्द इसको कैंसिलेशन किया जाए जो इंटरव्यू कॉलआफ किया था जो मिला है उसको तो तेलिए हम लोग इसको नहीं मानता है इसको जैसे भी ही मैंने जीन्यन पर्सन लोग को मिलना चाहिए जो मिल, मिला भी है जिनी लोग को देना है इसको री इंटरव्यू लेना चाहिए रीकडक्ट करना चाहिए ये इंटरव्यू को तो हम लोग मिल के कोई okay. टू डेज का अल्टीमेटम देता है टू डेज का अंदर में उन लोग अगर रिकंडक्ट नहीं करता है तो हम लोग हम लोग भी लीगली वे से लीगल वे से हम लोग भी आ, पाइट करेंगे हम लोग गोट हम लोग कोर्ट तक जाएंगे कोर्ट से हम लोग ये करें उसका हम लोग चीफ सेक्रेटरी लेवल तक जाएंगे गवर्नर लेवल तक जाएंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लेक्सिबल स्कीम को ऐसे आपका अच्छा से यूज नहीं करके एस, जो वेल well इस्टाब्लिश है तो ऐसे वाला को देने से तो गरीब गरीब होते जाएगा कोई आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो इसीलिए ये जी नीति को देख के हम लोग इसको आ, हम लोग डी को भी और डी को लोअर डी डीसी को हम लोग टू डेज़ का अल्टीमेटम देता है टू डेज का आ, अंदर में वो रिवोक नहीं करता है और रिकंडक्ट नहीं करता है तो हम लोग इसका आवाज़ उठाएंगे हम लोग कोर्ट तक जाने के लिए रेडी है थैंक यू गुड इवनिंग लोअर्स तो अभी जो मेरा दो मेरे बड़े भाई जो बात किया वही कहना चाहूँगा मैं जो डेटेड एट दिसंबर का इंटरव्यू था दिन का तो उसमें जो है आपका बिल्कुल जस्टिस नहीं था क्योंकि देखा जाए तो ट्वेंटी नंबर्स बेनिफिशरीज था तो ट्वेंटी बेनिफिशरीज नंबर में जो है आपका फार्म रजिस्टर्ट वाला ज़्यादातर था तो वो कैसे अनएम्प्लॉयड यूथ में उसको गिना जाएगा तो वो जो है एक फार्म रजिस्टर्ड वाला जो है वो ऑलरेडी उसका जो है एक सर्टिफिकेट है कि वो हम खुद इस्टब्लिश है बोल के उसका एक ये फार्म जो है उसका एक सर्टिफिकेट है तो वही फार्म जितना क्या है तो वो तो बहुत गलत बात है दीपियो सर जो जो है ये डिसाइड करके जो उसको दिया गया तो इतना सारा उसमें सिक्सटी सिक्स ये क्या कैंडिडेट जो आया था तो सिक्सटी सिक्स में से हाँ चलो मानता है कि कोई किसी का क्या हुआ है तो मीन्स अनएम्प्लॉयड यूथ का जो है वहाँ का जो इंटरव्यू का किया था तो उसमें जो है सिक्सटी सिक्स नंबर्स में से ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन का वहाँ का एक वीडियो फोटेज हम लोग को भी अभी चाहिए तो क्योंकि हाँ अनएम्प्लॉयड यूथ जो है कुछ उसका रिजेक्शन हुआ है तो उसको दिखा दीजिए इसलिए हम लोग ये रिजेक्शन किया है बोल के तो हम लोग मान जाएगा कि तो इसलिए वेल इस्टेब्लिश आदमी लोग को ही दिया गया है तो ऐसे नहीं हो कि अनइम्प्लॉयड यूथ को नहीं देख ऑलरेडी रजिस्टर्ड पम्प वाला आदमी को दिया हुआ है ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश आदमी को दिया हुआ है तो इसलिए ये चीज जो है डीपियो सर को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी रिकॉन्डक्ट जल्द से जल्द करे और टू डेज का हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं तो टू डेज में अगर ये रिकोंडक्ट नहीं होते तो तो हम लोग कोर्ट जाके भी इस्टे ले लेगा तो इसका बाद और क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोग आगे देखा जाएगा और चीफ सेक्रेटरी गवर्नर तक हम लोग चला जाएगा तो प्लीज हम लोग रिक्वेस्ट है दिपियो सर आपको ये जो है जैसे भी हो आप रिकोंडक कर दीजिए ये इंटरव्यू को और जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है पास क्या में रख दीजिए इसके बाद वेल स्टैब्लिश को और ये दीनदयाल में तो बिल्कुल नॉर्म्स में है ही नहीं है कि एक वेल स्टेब्लिश आदमी को देना है बोल के थैंक यू गुड इवनिंग लोहर साम और थैंक यू जूम डिजिटल तो एक्चुअली जैसे मेरे दोस्त ने कहा मेरे दोस्त हसैन रुदी और मेरे दोस्त न पताओ ने भी कहा तो मैं भी एक इस साल का जो दींदयाल उपाध्याय है मैं भी एक कैंडिडेट रहा मैंने भी अपने इंटरव्यू दिया तो मुझे इंटरव्यू देते वक्त मुझे एक चीज़ उनके जो सिलेक्शन प्रोसीज्यर था मुझे वो अनजस्टिफाइड लगा क्योंकि उसमें बहुत सा है जो कैंडिडेट है डिज़र्विंग कैंडिडेट है अभी परसों रात जैसे वो रिज़ल्ट डलियर हुआ मैंने भी देख के शौक लगा कि मैं खुद को नहीं बोलता हूँ कि मुझे मिलना चाहिए बट देर देर आर सम डिजर्विंग कैंडिडेट हु हु इज़ वेरी मच अवलेबल तो इसीलिए मैं ये आज की जो ब्रीफिंग दे रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि इस प्रोसीजर को थोड़ा देखा जाए क्योंकि ये जो दीनदयाल उपाध्याय सोलंबल योजना है ये तो अनएम्प्लॉयड के लिए है एंड फॉर द ग्रोन अप एंटरप्रेन्योर उन लोगों के लिए दिया जाता है तो ये सिलेक्शन और प्रोसीजर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो मैं यही आ, आपके जूम मीडिया के तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जल्द से जल्द एक प्रॉपर वे में करें और ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको दिया जाए मैं मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ बट मुझे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर का क्योंकि उसमें भी बहुत सा ऐसा कैंडिडेट है जो एलिजिबल है मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ बट देर आर सम सेक्शन ऑफ पीपल जो कि टोटली एलिजिबल है तो मैं इसके खिलाफ हूँ तो मैं चाहूँगा सबसे मैं दरखास्त करूंगा कि इस चीज़ को आप सबको साथ दें जितने भी दिप्राइव कैंडिडेट थे, उनके सबको साथ दे क्योंकि ये एक आ, इस तरह का एक माहौल चल रहा है कि आप आ, एक गलत राह पे आप जो आ, ये कैंडिडेट है उनको आप एक गलत राह दिखा रहा है आप उनको साथ देना चाहिए ये जो है जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा फिर ध्यान पर रखा जाए और एलिजिबल कैंडिडेट को सबको दिया जाए थैंक यू गुड इवनिंगली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू जूम डिजिटल मीडिया सो आज यहाँ आने का मकसद है जो बड़े भाई लोग ने बता दिया तो एज ए दीनदयाल पार्टिसिपेंट मैं कुछ दो तीन शब्द कहना चाहूँगा मेरे तरफ से तो मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है जितने भी लोअर मेरे बड़े भाई लोग हैं जो कि वेल एस्टेब्लिश हैं जो कि अच्छा बिजनेस कर रहा है वो लोग ना अभी के जनरेशन में तो वो लोग वो लोग को मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो अभी का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जो कि जितना भी आ, मेरा जैसे होंगे जो निकावली के बहुत सारे ऐसे लड़का है जो अनएम्प्लॉयड है जो कि इनकम नहीं है इनकम सोर्स नहीं है वो लोग का तो नौकरी भी मिलना मुश्किल हो रहा है आज के जनरेशन में तो लास्ट में जा के तो कुछ बिजनेस ही करना पड़ता है देन बिजनेस करने के लिए अभी तो पैसा चाहिए होता है ना देन आजकल लोन भी मिलना मुश्किल है तो एक स्कीम है जो अभी दीनडयाल है सभी को पता है तो मैंने भी सोचा ये स्कीम के द्वारा एक बिज़नेस शुरू करूँ सेटअप करूँ तो ये स्कीम में अप्लाई किया तो सिलेक्शन हुआ मेरा भी मेरिट लिस्ट में तो इंटरव्यू के लिए जब गया तो सिक्सटी पहले मेरे बड़े भाई ने बताया कि वो सिक्सटी थी पार्टिसिपेंट था तो कोटा तो जो सिर्फ ट्वेंटी था तो सिलेक्शन नहीं हो पाया हम लोग का तो कौन सा ग्राउंड में रिजेक्ट किया उसको भी पता नहीं मेरे को मैंने चार... अच्छा इंटरव्यू तो दिया था मेरा तरफ से तो तो वह जब इंटरव्यू हो रहा था तो लोग का मेरा रीज़न बताया कि आपने एक लोकेशन अच्छे से नहीं दिया ये नहीं किया वो नहीं किया जो कि वैलिड वो है नहीं है रीज़न है नहीं है जो हमको ये इंटरव्यू से निकालने का तो हम लोग को मिलना चाहिए था जो बड़े भाई लोग हैं जो ऑलरेडी कमाता है अच्छा खासा वो लोग के लिए तो ये छोटा सा लोन वो लोग के लिए तो बस एक चंडा जैसे होंगे ना वो लोग तो बस वो एक दो महीना में, में इसको उड़ा के कदम कर दें जो कि हम जैसे अनएम्प्लॉयड यूथ को मिलेगा तो ये जो लोन जो हम लोग का जिसे यूथ के लिए लाइफ चेंजर का काम करेगा तो मैं सोचता हूँ ये चीज़ को हम लोग को मिलना चाहिए था और मुझे भी मुझे बोल के ही नहीं है बहुत सारे ऐसे जो इनोवेटिव आइडियाज़ लाया था वो लोग को भी मिलना चाहिए था तो अभी देखा गया तो सिलेक्शन में बहुत सारे ऐसे सेम प्रोजेक्ट को लिया गया जो कि एक ही पर्टिकुलर एक लोकेशन का इतना सारा एक मैं बोलना नहीं चाहूँगा वो वो प्रोजेक्ट का ये प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया है लेकिन एक पर्टिकुलर एक जगह का इतना सारा सिलेक्शन किया गया कि वो किस तरह से वो चीज़ को लेके बिजनेस स्टार्ट करेगा क्योंकि कम्पटिटिव हो जाएगा कंपटीशन हो जाएगा जो कि एक छोटा सा एरिया में इतना सारा दिया है तो ये चीज़ को लाइक नहीं समझ आता किस प्रोसीजर से ये सिलेक्शन किया गया तो मैं चाहता हूँ किस तरह से ये चीज़ को सिलेक्शन किया गया है तो पब्लिक डोमेन में आने से ठीक है क्योंकि अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग का इंटरव्यू है जो हुआ है तो हम लोग का तो अच्छा दिया था तो आप लोग चाहे तो वीडियो क्लिप्स जो अगर हम लोग का जब इंटरव्यू दे रहा था वीडियो क्लिप्स भी होना चाहिए उसको भी मिलने से ठीक है पब्लिक डोमेन में आने से ठीक होगा हम लोग को भी अच्छा रहेगा क्योंकि अच्छा दिया कि नहीं दिया क्योंकि वो चीज़ को देखने से ही मालूम होगा मेरा तरफ से वेस्ट दिया था इतना ही है थैंक यू